नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले से लेकर प्रदेश के कई जिलों में घटित आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, पुलिस थानों में दुष्कर्म, राजधानी में एम्बुलेंस में दुष्कर्म, भरतपुर में सरेआम हत्या करके वीडियो वायरल करने, गंगानगर में पुलिस कार्मिक से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेने सहित कई दर्जन घटनाओं ने राजस्थान को झकझोर करके रख दिया है। बेनीवाल ने कहा कि आमजन से लेकर जनता के चुने प्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राजस्थान की कानून व्यवस्था व इंटेलिजेंस पूर्ण रूप से पंगु बन के रह गया है और कानून का इकबाल खत्म सा हो गया है। बेनीवाल ने कहा कि सरकार कुंभकर्णी नींद में है और राज्य का गृह मंत्रालय नाकाम नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत को बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस भरोसे के साथ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई है, उस भरोसे को कायम रखने में सरकार विफल साबित हुई। सांसद बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में गत 2 वर्षों में भाजपा सत्ताधारी दल की नाकामी व बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई और घरों में बैठकर के केवल बयानबाजी करके समय निकाल रहे हैं। सांसद बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा गंभीर आपराधिक घटनाओं पर उनको संज्ञान लेकर प्रकरणवार समीक्षा करके पृथक से वक्तव्य जनता के समक्ष देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय का जिम्मा भी उनके पास है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि कई आपराधिक घटनाओं में न्याय नहीं मिलने से पीड़ित पक्ष गलत राह अपना लेता है, वहीं कई मामलों में सिस्टम में बैठे लोगों की मिलीभगत से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार को गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के प्रकरणों को फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाकर वह ऑफिसर केस स्कीम आदि के तहत निस्तारण करके पीड़ितों को त्वरित न्याय देने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।